हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट पहुंचे आप तक। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपके भी स्मार्टफोन के स्पीकर से कम आती है आवाज, घर पर इस जुगाड़ से करें साफ, झटपट हो जाएगी सारी गंदगी साफ। स्पीकर में धूल और गंदगी जम जाती है, लेकिन इसको साफ करना काफी आसान है। इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है। आइए जानते हैं कि किन तरीकों से स्मार्टफोन के स्पीकर को साफ किया जा सकता है। हमारी लाइफ में स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिना फोन के इंसान कोई काम ही नहीं कर सकता। यूज करते करते स्मार्टफोन के कुछ पार्ट गंदे हो जाते हैं, जिसमें से एक सबसे कॉमन है स्मार्टफोन का स्पीकर। बाहर होने के कारण स्पीकर में धूल और गंदगी जम जाती है, लेकिन इसको साफ करना काफी आसान है। इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस एक टूथ ब्रश से स्पीकर पर घर ही साफ किया जा सकता है। आज हम आपको ऐसे ही तरीकों के बारे में आज बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने स्मार्टफोन के स्पीकर को साफ कर सकते हैं। अब भाई, आप थिनर का इस्तेमाल करके भी स्मार्टफोन के स्पीकर को साफ कर सकते हैं। इसके लिए भी थोड़ा ब्रश का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ज्यादा तेजी से यूज करेंगे तो हो सकता है कि स्पीकर खराब हो जाए। स्पीकर पानी से भी खराब हो जाते हैं, ऐसे में आपको थिनर का भी कम ही उपयोग करना होगा। ज्यादा यूज करने से आपके मोबाइल का मदरबोर्ड खराब हो सकता है। ईयरबड्स का इस्तेमाल करके भी आप अपने स्मार्टफोन के स्पीकर को साफ कर सकते हैं, लेकिन ईयरबड्स का इस्तेमाल वैसे तो कान की सफाई के लिए किया जाता है, लेकिन इससे स्पीकर भी आसानी से साफ हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा प्रेशर से साफ करने से स्पीकर डेड हो सकते हैं। लेकिन इसकी खासियत है कि यह स्पीकर को काफी क्लीन कर देता है, लेकिन यूज करने से पहले आप किसी से सलाह ले लें। अब भाई, कॉटन से भी कर सकते हैं क्या क्लीन? हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। कॉटन से स्मार्टफोन के स्पीकर को साफ करना सबसे सही तरीका है, क्योंकि गंदगी साफ करने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन को किसी ऐसी चीज में लगाएं जिससे स्पीकर के अंदर तक पहुंचा जा सके। कॉटन में थोड़ा सा थिनर भी लगा लें, जिससे स्पीकर पूरी तरह से क्लीन हो सके। हाँ दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक चलाना चाहते हैं तो प्रो बलबोधी सर के यहाँ आधार कार्ड डालिए और एयरटेल पेमेंट बैंक बनवा ले जाइए। कार्तिक कंप्यूटर लामडोरिया। हाँ दोस्तों, अगर आपका भी स्मार्टफोन कहीं खो गया है या किसी चोर ने चोरी कर लिया है, तो दोस्तों अब आप घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जिससे आपके खोए हुए फोन को ढूंढा निकाला जा सकता है। इस एप्लीकेशन का नाम है फाइंड डिवाइस, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मुख्य इन बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि किसी एंड्रॉइड फोन को खोजने, लॉक करने या उसका डेटा मिटाने के लिए वह फोन चालू होना चाहिए। किसी गूगल खाते में उस फोन से साइन इन किया होना चाहिए। मोबाइल डेटा या वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। गूगल प्ले पर देखना चाहिए। फोन में जगह की जानकारी की सुविधा चालू होनी चाहिए। मेरा डिवाइस ढूंढो सुविधा चालू होनी चाहिए। और यह एप्लीकेशन आपकी आईडी और पासवर्ड से आपको आपके खोए हुए फोन की लोकेशन तक पहुंचा देगा। हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने खोए हुए फोन को ढूंढना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट पहुंचे आप तक। दोस्तों धन्यवाद।